सीएससी क्लास टेंथ के 2024 वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में फिगर बेस्ड क्वेश्चन करीब करीब 30 से 35 मार्क्स के होंगे और आपके ये 30 टू 35 मार्क्स हो सकते हैं अगर इन फिगर बेस्ड शॉर्ट आंसर के साथ क्वेश्चंस को देख लेते हैं या लॉन्ग आंसर वाले भी आपको फिगर बेस्ड मिलेंगे तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पॉसिबल टू हैव एन एक्सेलरेटेड मोशन विथ अ कांस्टेंट स्पीड एक्सप्लेन तो आपको ये फिगर बनाने हैं और बताने हैं कि पॉसिबल है एक्सेलरेटेड मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड और इसके लिए आप अच्छी तरह से देखेंगे कि जब बॉडी मूविंग करता है सर्कुलर पाथ में और उसके पूरे एग्जाम्पल को देख लेंगे फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि वाट इज अ कपल तो यहाँ पर टू इक्वल पैरेलल अपोजिट फोर्स जो एक्ट होता है रिजिड बॉडी पर पूरा आपका फिगर बनाया हुआ देख लेंगे तो इससे आप साबित कर सकते हैं मैं ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाऊँगा फिर बॉडी का मास थर्टी के जी दिया गया है सिटिंग है डिस्टेंस टू मीटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ सी सॉ देख लीजिए जिस तरह से फिगर बना के बनाने हैं और अगर आप इसको इस तरह से फिगर बना के बता देते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज की थ्योरी होती है वहाँ पर तो आंसर आपके जो मिलेंगे और किस तरह से आंसर के प्रेजेंटेशन है क्वेश्चन नंबर फोर है कि एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट फॉर फोर्स अबाउट अ गिवन प्लेन राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर दिए हुए हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स इस तरह के फिगर बनाने होंगे और उसके बाद से जिस तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला गया है इसको भी देखेंगे तो इस तरह से आप पूरी तरह से निकाल सकते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया है कि मोमेंट ऑफ फोर्स ना टेन न्यूटन है और फिक्स्ड पोजी पॉइंट वो है फाइव न्यूटन मीटर का तो आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस अब इस डिस्टेंस के लिए आप इस फिगर को ले सकते हैं जो राइट right साइड में है तो आपके क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से बन जाएंगे देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से ओ ए को निकाला गया है फाइव बाई टेन करके और जब एक बार इस तरह से आंसर निकालेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सिक्स में ए आपको बुमरैंग को दे दिया गया और बुमरैंक को देखने के बाद बताया जाएगा कि ड्रॉ अ डायग्राम टू स्टेट द पोजिशन अब पोजीशन को ड्रॉ करने के लिए आप जिस तरह से बुमरंग का पिक्चर बना देते हो दैट इज़ गुड आपके मार्क्स पूरे मिलने की उम्मीद है क्योंकि इसी तरह से आपके आंसर रहेंगे फिर क्वेश्चन नंबर सेवन है कि फिगर जो नीचे दिया गया है पेंडुलम के बारे में है और उसका पोजीशन भी ए और बी है तो इस तरह से राइट right साइड में जो पिक्चर देख रहे हैं बॉब वाला है और इसको बनाएंगे कि रेस्ट बाय फाइव मीटर तो तीन पॉसिबल सिचुएशन क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर आप राइट right साइड में तीनों के इसी तरह से सेपरेट बनाने हैं और आपको दिखलाने हैं कि किस तरह से सेकेंड का आंसर जो टें जूल होगा ये कैसे है तो देख लीजिए यहाँ पर राइट right साइड में उसी के ठीक से के प्लस यू करके कॉन्स्टेंट बताया गया है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नाइन राइट साइड में देखिए कहता है कि एक बॉय जो कि बैठा हुआ है रिपीटेडली तो एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के बताना तो आप चुपचाप साइलेंटली ग्राफ बना देंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टेन जो स्क्रीन पर आपका विजिबल हो रहा है इसमें एक बॉल को प्लेस किया गया है और कंप्रेस्ड स्प्रिंग तो इसको बॉल को जो ऑब्जर्व करने के दो पॉसिबल सिचुएशन है क्या वाई डज बॉल फ्लाई अवे दूसरा क्वेश्चन है उससे पहले फॉर्म ऑफ एनर्जी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इम्पार्शियल है फिर क्वेश्चन नंबर एलेवन आप देख लीजिए राइट साइड में एक आता है कि डायग्राम को ड्रॉ करना है और डायग्राम को ड्रॉ करके ये बताना है कि हाउ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द ऑक्सलेशन तो ऑक्सीलेशन का प्रोसेस ए टू बी बी टू सी सी टू बी बी टू ए कि इस पोजीशन को लेकर एम निकालते हैं फिर कैनेटिक एनर्जी निकालेंगे और इन दोनों को मिला के कंपेयर करेंगे इधर राइट लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर एट है जो कि आपको बताएगा कि व्हाट इज़ द प्रोटेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉडी टेन के का मास का है और इसको रखा गया हाइट ऑफ़ फाइव मीटर तो दो क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं तो गिवेन मास देखेंगे टेन के जी दिया हुआ है हाइट है फाइव मीटर ग्रेविटी लगेगा टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी भी है एम जी एच तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ए आप इस अकॉर्डिंगली बनाएंगे मैकेनिकल एनर्जी आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी और एट हाइट ऑफ टू मीटर चूंकि ऊपर टू मीटर दे दिया गया है हाइट तो उस हिसाब से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइव हंड्रेड हो जाएगा ऊपर देखिए पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच को लेकर क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया था उसी के हिसाब से हमने निकाला फिर इधर राइट साइड में देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कहता है कि फॉर्म ऑफ ग्राफ के ई एंड वेलोसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट मास है तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख समझ लेते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे तो ये पॉइंट्स बताते हैं ऊपर एक देख लीजिए थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था तो ये ग्राउंड को लेकर है तो आप इसको भी देख लेते हैं काफ़ी सहूलियत हो जाएगी यहाँ पर ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन का जो ग्राफ है बनाने के लिए वो इस तरह से ग्राफ बनेगा दोनों का ए का और बी का तो क्वेश्चन क्लियर है सिंपल मशीन चैप्टर में जैसे ही फिगर बेस्ड क्वेश्चन के लिए आते हैं तो सबसे पहला आपके पास आ जाता है क्रो बार जिसका लेंथ है वन हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर फलक्रम से कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज को तो मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट साइड में आपको दिखाया गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और मोमेंट ऑफ द लोड अबाउट पूरा बताया फिर मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फलक्रम तो लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों को निकालने के बाद मैकेनिकल एडवांटेज दे दिया गया इधर देख लीजिए सेकंड में है आपका गिवेंट फिगर है डायग्राम शो कर रहा है कि पुली वन एंड पुली टू के पोजीशन को इसमें दो क्वेश्चन है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ फिक्स्ड पुली का और उसी के ठीक नीचे है कि एफर्ट्स क्या होंगे तो इसको बनाने के लिए देखिए पुली टू जो फिक्स्ड है इसके यूज टू चेंज द डायरेक्शन डायरेक्शन के हिसाब से होता है फिर सेकेंड में आपके पास वेन वी नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द पुली पी वन तो आपके पास ई इक्वल्स टी और एल लोड इक्वल्स टू टी हो जाएंगे अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगाने के बाद ई e निकाल लेंगे फाइव न्यूटन का होता है फिर क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेंगे या लेबल करता है स्केच को और ये सेकेंड लीवर का है गिवेन द एग्जाम्पल ऑफ सच लीवर और इस तरह के लीवर का आपका एग्ज़ाम्पल है तो देख लीजिए किस तरह से फलक्रम बताने हैं लोड बताने हैं एफर्ट आर्म और एफर्ट को दिखाना है फिर हम लोग देखते हैं कि इसी के आधार पर एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास टू लीवर जिसमें कि नट क्रैकर को यूज़ किया गया है इसमें फलक्रम दिखलाया गया है नट को लोड के रूप में और एफर्ट जहां लगने उसको भी दिखलाया गया है क्वेश्चन नंबर फोर के डायग्राम के हिसाब से फिर क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पर हैमर है और हैमर के लिए जो उसका कुंद और यू कैन सी दैट एफर्ट है तो इसके लिए क्लॉ हैमर इज़ द लेबल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर तो इसका पोजीशन फल क्रम लोड इफेक्ट रिस्पेक्टिवली दर्शाया गया है यहीं पर अब क्वेश्चन नंबर फाइव में आपका अगेन डायग्राम दे दिया गया है विल बोरो को और जो कि फलक्रम से काफ़ी दूर हैं तो उस कंडीशन में जो एफ सोज पोजीशन ऑफ फलक्रम एंड एरो मार्केट्स एट एल एंड ई तो जब वो इस तरह से दिखला रहा है कि लोड नीचे जा रहा है एफर्ट ऊपर जा रहा है और फलक्रम ठीक नीचे वाले कॉर्नर पर यहाँ पर है तो ऐसे में नट क्रैकर इज अ मूल एग्जाम्पल इससे पहले दिया गया है ये दूसरा एग्जाम्पल है देखिए एट नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज अ पुली तो पुली का डायग्राम बना के पुली इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टाइप ऑफ मशीन एट नंबर क्वेश्चन राइट साइड है फिर नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है कि वट टाइप ऑफ सिंगल पुल कैन एक्ट तो यहाँ पर पूरा इसको बनाएगा पिक्चर के साथ रिजिट सपोर्ट के हिसाब से और जब ये बनता है तो आप फिगर बनाने के बाद सभी को नोमिनट कर दें और नियरली बन जाना चाहिए इसी तरह से सिक्स नंबर क्वेश्चन है वांट टू तो यूज मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में मशीन को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि शुड वी प्रेफरली यूज़ द क्लास ऑफ लीवर और दूसरा है हाँ कि डायग्राम चाहिए तो दोनों ही कंडीशन में हम जब यूज करते हैं लेवल ऑफ क्रास क्लास वन और क्लास टू जो एम्प्लीफाइंग कर रहे हैं फोर्स के लिए तो हम लोग पाएंगे कि लेबल लीवर वन का लीवर वन के बारे में अभी छोड़ते हुए लीवर टू की ओर ध्यान दें क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीबर ऑफ़ क्लास टू ऑलवेज ग्रेटर हमेशा ग्रेटर बताया गया है तो इस तरह से आप पिक्चर बना के बनाए बताएंगे सेवन्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर है और इसका आंसर भी इसी तरह से फलक्रम और डिस्टेंस के साथ साथ पूरे हिसाब किताब में दे दिए गए हैं तो इस तरह से समझने की कोशिश करें कि फिजिक्स के फिगर बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहते हैं आप क्वेश्चन नंबर टेन देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम शो करने के लिए कहा गया कि पुली का है यूज होता है तो आपका आइडिया है एम डॉट ए मैकेनिकल एडवांटेज टू अब इसके लिए देखिए हमने फिगर बनवाया हुआ है और ये फिगर बना के मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए लोड बाय एफर्ट है वो सारे हम लोग पिक्चर बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं तो इस तरह से है फिर यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफाई क्लास ऑफ द लेबल लेबल के क्लास को या बाकी सभी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो उ, उस कंडीशन में भी आपके पास पूरे कण पूरे सिचुएशन आ जाते हैं जब आप देखते हैं कि किस तरह से इसको बनवा देने हैं या इसको जोड़ देने हैं यहाँ पर मैं एक बात दिखलाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में कि डायग्राम जो कि शो करता है देख लीजिए पहले डायग्राम में कि डायग्राम क्या बता रहा है क्योंकि ये डायग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे लिहाज से एक क्लॉ हैमर है फिर नेल है और तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं फर्स्ट किस क्लास लीबर का है और प्लायर्स के रूप में जैसे कि एक और एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है तो आप बता देंगे फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया जा रहा है कि ट्वेंटी मार्क्स तक के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स पिक्चर बेस्ड और बाकी सारे यहाँ पर देख लीजिए रे ऑफ लाइट नॉर्मली ऑन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर पड़ता है तो किस तरह से ये वर्क करता है नॉर्मल इंसिडेंट है इमरजेंट रे हैं फिर आप देखेंगे कि एग्जाम्पल टू में आप में एक प्रिज्म है दिया मोनो क्रोमेटिक लाइट रे ए भी इंसिडेंट करता है यहाँ पर देख लीजिए तो पिक्चर के कारण आप जब देखेंगे तो आंसर जब बनाना होगा कि नॉर्मल किस तरह से बनता है तो यहाँ पर आपके पिक्चर राइट साइड में है फिर कंप्लीट द डायग्राम वो एक डायग्राम दे दिया गया फोर्टी फाइव सेंटीमीटर का जो इंसिडेंट रे है और इसके बाद जब ये अंदर जाएगा तो इसका किस तरह से क्रिटिकल एंगल बदलेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में और रिफ्रेक्टिव रेज को लेकर तो ये भी एक तरह से समझ लीजिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन के उभरा है फोर्थ है जो कि बेसिक रूल दिया हुआ है कि रे वन रे टू को लेकर फिर फिफ्थ नंबर में आप देखेंगे डायग्राम के आधार पर दो क्वेश्चन है कि कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ एंड हाउ आर एंगल आई एंड आर रिलेटेड टू इच अदर तो इसमें फिगर आप यहाँ पर बना देते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेवन में देखिए बता रहा है कि मोनोलिथिक ले के कारण जिस तरह से लेबल डायग्राम्स आप फिगर में बनाते हैं तो इसको अच्छी तरह से दिखलाइए कि ग्लास स्लैब में है वाटर टैंक में है ट्रांसपेरेंट है इन ट्रांसपेरेंट है इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कैसे रहेगा और किसके पास रहेगा यहाँ पर अन्य सारे क्वेश्चन भी हैं और अच्छी तरह से समझना चाहिए कि सभी बच्चों को बनाने होंगे तो यहाँ पर देखिए पहला तो है कि लेबल करें एक रे जो बेंड कर रहा है और उसके लिए वाइल पासिंग थ्रू ग्लास ग्लास के थ्रू पास करने वाला है तो यहाँ पर फिगर जो देख लीजिए बना है ऊपर वाले में और उसके बाद ग्लास से पार करने वाले में तो दोनों में अंतर है काफ़ी अंतर है और आगे भी देखिए इस तरह के पिक्चर हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर इधर टेन है टेन में रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम होता है तो इसको पूरा आप देख लीजिए कॉपी द डायग्राम डायग्राम को कॉपी करेंगे नरेट द प्रिंसिपल्स ऑन बिच तो किस प्रिंसिपल्स पर काम कर रहे हैं राइट right साइड में हम लोग देखें तो जैसे ही ये बनाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिलिटी ऑफ लाइट भी दिखला देता है और ये रियरर मीडियम है और डेंसर मीडियम है तो लिक्विड एंड लिक्विड ब्रेन क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि रॉबरी के बाद एक विंडो को ब्रेक कर दिया गया जब इसका पकड़ा जाना हुआ कि यहाँ पर रॉबरी वगैरह हुई है तो अब देख लीजिए कि ये बच्चा खुद काफ़ी हद तक एक कंफ्यूजन सिचुएशन है तो लाइट देख लीजिए ग्लास लाइट बीम देख लीजिए और उसके बाद ग्लास देख लीजिए इसके बाद है ही कि हाथ लगाई है तो एक मेथड ऑफ डूइंग दिस टू सस्पेंड द पार्टिसिपल और ऑफ ग्लास तो उसके लिए आप देखेंगे पूरा फॉर्मूला और आंसर लिखे हुए हैं और इस तरह से कंप्लीट करने की ग्लास लिक्विड टू लाइट बीम तो ये सारे चीज़ आते हैं और इन सभी को लेकर काफ़ी सतर्क रहने चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो फिगर बेस्ड मोटिवटर पर मैंने डिस्कस किया जिसको आप वीडियो लाइक कर सकते हैं चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रहे